नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एल के ऑल इन वन चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी दही के बारे में। जी हाँ दोस्तों, दही खाने के बहुत ज़्यादा फायदे हैं और जब आप जानेंगे इसके फायदे तो आप वाकई हैरान रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे कि दही खाने के इतने फायदे भी हो सकते हैं। लेकिन आपने इसके अगर फायदा पूरा लेना है तो इसकी कितनी मात्रा आपको खानी चाहिए, कब इसका सेवन करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए, इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी। और ये सब जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहना है, वीडियो को आपने लास्ट तक देखते रहना है। एक ज़रूरी बात और दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना नहीं भूलना है ताकि सब जो है वो दही के फायदे जो हैं वो जान सकें। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आयुर्वेद के अनुसार जो दही है वो हमारे मुंह के स्वाद को अच्छा बनाता है, भूख को बढ़ाता है, तासीर में ये गर्म होता है, पाचन क्रिया को सुधारता है, वात रोगों में बहुत लाभ देता है, शरीर के बल को बढ़ाता है, शुक्र धातु को बढ़ाता है और शारीरिक अंगों को स्निग्ध करता है। यही नहीं दोस्तों, दही के बहुत सारे फायदों में से एक ये है कि दही अपने में मौजूद पोषक तत्वों के कारण पाचन क्रिया को सुधारता है। इसमें मौजूद आंत अनुकूल बैक्टीरिया जिसे हम लैक्टोबैसिलस कहते हैं, वो दूध में मौजूद लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदल देता है और इसीलिए जो लोग दूध नहीं पचा पाते उनके लिए दही जो है वो उत्तम आहार माना जाता है। ये छोटी आंत बड़ी आंत को स्वस्थ रखकर उनके कैंसर के खतरे को कम करता है। दही जो है वो पेट के फोड़े के खतरे को कम करता है, जो पेट में अल्सर हो जाता है उसके खतरे को ये बहुत कम कर देता है। दही में मौजूद लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को ये स्ट्रॉन्ग बनाता है। दही जो है दोस्तों शुगर से ग्रस्त औरतों में यीस्ट के कारण उनमें होने वाले रोगों से बचाव करता है। अन्य डेयरी उत्पादों की तरह दही में कैल्शियम होता है जो हड्डियों और दांतों को मजबूत करता है। इसमें फास्फोरस भी होता है जो कैल्शियम से मिलकर हड्डियों के विकास में बढ़ावा देता है और लगातार दही खाने से ये हड्डियों के रोगों जैसे आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस से आपका बचाव करता है। दोस्तों आज के युग में शायद ही कोई ऐसा हो जो तनाव से ना ग्रस्त हो, सो तनावग्रस्त रहने से आपकी सेहत पर इसका असर पड़ता है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो दही जो है वो यहाँ भी आपकी मदद करता है। दही अगर आप खाते हैं तो मानव के जो मस्तिष्क में उस क्रिया को कम कर देता है, ये जो सीधे तौर पर चिंता से जुड़ी होती है, सो इस तरह दही चिंता और तनाव को कम करता है। लगातार दही खाने से दिल संबंधी बीमारियाँ जैसे कोई भी आप कोरोनरी हार्ट डिजीजेस का खतरा जो है वो कम हो जाता है, हार्ट संबंधी समस्याओं का खतरा जो है वो बहुत कम हो जाता है। दोस्तों क्यों कम हो जाता है? क्योंकि ये धमनियों में चर्बी की बनने की प्रक्रिया को कम कर देता है। दही जो है वो परिसंचरण तंत्र के स्वास्थ्य को बढ़ाता है, उच्च रक्तचाप के खतरे को भी ये कम करता है। दोस्तों ये कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम को स्वस्थ बनाए रखता है, उसको सही बनाए रखता है। दही में पोषक तत्व विटामिन्स मिनरल्स जो हैं वो बहुत ही प्रचुर मात्रा में होते हैं और ये पोषक तत्व कॉर्टिसोल नामक हार्मोन के बनने की क्रिया को कम करके शरीर के भार को भी नियंत्रित करने में मदद करता है। तो अगर आप दही का सेवन करते हैं तो ये आपके शरीर के भार को नियंत्रित करने में आपकी बहुत मदद करेगा। दोस्तों मैं आपको कुछ ज़रूरी बातें बता दूँ, दही को गर्म नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से गुणकारी नहीं रहता। रात को दही का सेवन नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को गैस्ट्राइटिस की बीमारी हो उन्हें खट्टे दही से परहेज करना चाहिए। दही के बहुत सारे फायदे हैं यदि इसे सही मात्रा में खाया जाए, परंतु अधिक मात्रा में अगर आप इसका सेवन करते हैं तो आपका भार जो है वो बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल भी आपका बढ़ जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि इसकी सही मात्रा क्या है। किसी भी वस्तु का सेवन अगर आप उचित मात्रा में करते हैं तो वह सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है, पर अगर अधिक मात्रा में सेवन किया जाए तो उसका फायदा जो है वो नुकसान में भी बदल सकता है। तो दही के सेवन की जो योग्य मात्रा है ताकि आपको इसका पूरा फायदा मिले और वो भी बिना किसी नुकसान के, तो ये है 250 ग्राम से 500 ग्राम के बीच में, व्यक्ति के चयापचय के अनुसार 250 ग्राम से 500 ग्राम के बीच में आपने इससे अधिक जो है इसका सेवन नहीं करना है, आपको ये नुकसान पहुंचा सकता है।
आशा करती हूँ इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और एलके ऑल इन वन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छी और बेहतर जानकारी के लिए देखते रहिए एलके ऑल इन वन चैनल। धन्यवाद।